क्या बात है यार, वही मैं ट्राई कर रहे थे, मैंने बोला, मैंने कहा पहाड़ों में बैठा है भाई, वहां से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है लगता। जी, यहाँ पे बारिश बारिश हो रही है काफी। आई नो मैन, व्हाट्सअप, हाउ आर यू भाई, कैसे हैं? कांग्रेचुलेशंस। टू यू टू यार, अपना ये हैट्रिक हो गई अपनी, पहला था किन्ना सोना, अमेजिंग। उसके बाद वफा नाराज आई, और ये तो दिस इज तो इवन क्रेजियर यार। सो आई वाज जस्ट डबिंग आवर नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू से द नेम, अच्छा बट आई हैव जस्ट डब्ड फॉर यू ब्रदर, यू विल लव इट, अच्छा हो गया, सेंडिंग इट अच्छा अक्रॉस। आज हो गया डब। जी, सो आई एम ग्लैड वी आर एबल टू टेल एवरीबॉडी हियर दैट आवर नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे। एंड लेकिन यस कितना अच्छा लग रहा है भाई कि अब वो 4 दिन से गाना अपना नंबर 1 पे टिका हुआ है, ऑर्गेनिकली लोगों को इतना पसंद आ रहा है यार, इट्स अनबिलीवेबल हाउ सॉन्ग इज परफॉर्मिंग। वाओ, आई एम सो हैप्पी दैट दिस टेक्नो भी है। इतना ज्यादा इंस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर एक जेन्युइन गाना आता है तो इट टिक्स ऑन रेड्स, गेट्स द री बेदर दी इज डूइंग राइट नाउ आई नो, एंड नाइट। आई थिंक नाउ, अब इतने सालों से हम कितनी चीजें करना चाह रहे थे साथ में, हमने बहुत सारे ओरिजिनल गाने भी बनाए, नॉट मेनी पीपल नो दैट, एंड फाइनली हमारे ये जो दो तीन जो हमने जो गाने दोबारा रिक्रिएट किए, आई थिंक दोज आर द वंस व्हिच हैव, वो जल्दी आ गए हैं, बट हमने कुछ ऐसे गाने बनाए हैं वाह, जो जब वो आएंगे तो आई थिंक दोज सॉन्ग्स आर पीपल आर गोना लव, स्पेशली हमने गाना जो बनाया आजा नहीं आजा, व्हिच इज अ रॉक सॉन्ग। क्या बात है, क्या बात, आई लव दैट सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग। और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा जुबिन कि हमने ये गाने लॉकडाउन में बनाए हैं, व्हेन वी बोथ इवन हैवन मेट इन द स्टूडियो, ये जुबिन वहां से गा गा के भेज रहे हैं, एंड इट्स अनबिलीवेबल कि हाउ वी आर ट्राइंग टू पुल दिस ऑफ व्हाइल यू नो ड्यूरिंग द लॉकडाउन इज ऑन। या आई थिंक फर्स्ट सॉन्ग वाज आजा नहीं आजा जो हमने लॉकडाउन में करा था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फर्स्ट सॉन्ग। वाओ, अभी रिसेंटली यू सेंट मी दैट, मतलब आई काइंड ऑफ, बीच में पूरा साल का गैप आ गया एंड आई, मेरे दिमाग से उतर गया वो गाना, फिर आपने भी उसका एक मिक्स भेजा मुझे रिसेंटली, माइंड ब्लोइंग, और देयर इज अनदर सॉन्ग माइंड, अदर देन दैट। नो नो द सेम सॉन्ग आजा नहीं आजा का हाँ ही एक मिक्स रिसेंटली ओ यस 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 यस, उड़िया, तो वो भी सुना भाई मैंने, वाओ, इट्स नहीं आई थिंक देयर। दैट दैट सॉन्ग मे बी वंस दिस हार्ट ब्रेक एंड ऑल दिस कम्स टू अ लिटिल रेस्ट, क्योंकि अभी तो पूरा हर गाने में हम पूरे दिल की जो 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 भी जो गम है जो जो भड़ास है वो सब निकाल रहे हैं कि we are, ये सडनली दर्द ही दर्द बिखरा है भाई, इस वक्त तो दर्द ही दर्द की बातें हो You रही are known for the craziest dance numbers that you have given to the country, and I'm so happy that we are doing this different genre of absolutely painful songs, which is, मुझे लगता है painful गाने भाई बहुत लंबे समय तक रहते हैं और लोगों के साथ, मतलब 10-10, 20-30 साल तक भी। है। अरे That's the इनफैक्ट beauty of मैं अपनी मॉम को बता रहा था, मेरी मॉम भी इनफैक्ट शी इज हियर, शी इज राइट नाउ ऑन ऑन द लाइव राइट नाउ विद हर फ्रेंड्स, शी इज वाचिंग राइट नाउ, वो lots of love, बोल रही थी auntie. कितना दर्द है और कितना दुख है, ये वैसे तो खुश है ना, मैंने कहा नहीं, बहुत ही जबरदस्त। मैंने कहा बेटा ऐसा कोई ऐसा ऐसा किसी लड़की ने इतना भी दिल नहीं तोड़ा है जितना दर्द आ रहा है आवाज में, और मैंने कहा हम्मा अम्मा गाया था उसको आप सुनोगे तो उसमें कोई दर्द नहीं है, वो प्रॉपर पार्टी सॉन्ग है तो। स्वीट, सो दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट यू नो ब्रदर, दैट जब किसी एक्ट कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो ऑब्वियसली वो जब कोई विलन होते हैं तो उनको लोग हेट करते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर देम। सो इफ समबडी इज आस्किंग दैट इफ यू हैव एक्चुअली जितने दर्द के गाने आ रहे हैं उतने उतने दर्द भरी जिंदगी रही है क्या, उतने हार्ट एक्स हुए लड़कियों के साथ, सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। या एब्सोल्युटली मैन। ब्रदर। So how's it going, man? I really want to know you. वहां जाके यार जन्नत में बैठे हुए हो, बॉम्बे से दूर और पूरे इंडिया को हिला रहे हो, how's the scene there? It was quite bad here, but now things are calming down. In another week, 10 days, शायद lockdowns भी खुल जाएंगे। उसके बाद I want to invite you guys to for a here. Maybe come and make have made a small in the valley. और अच्छा करने में भाई भाई लॉकडाउन बहुत पे समय के लिए, इंटरनेट पे ऐसे गाने बन रहे हैं तो वहां आ जाऊंगा तो फिर तो साथ में बैठ के अपन अच्छा चीज कुछ क्रिएट कर ही लेंगे। जी भाई कमाल हो जाएगा।
बेदर्दी से प्यार का वैन I haven't heard you live ever since you recorded it. ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़क है किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है डूबे जाना आंखों के पानी में जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला बेदर्दी से प्यार का बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला ऐसा बिछड़ा वो मुझे कौन दोबारा मिला Beautiful, yeah, what you're beautifully done, silky voice you have, man, it's unbelievable, and abhi tum mere ko lag raha hai kitni jonras bache hain jisme your voice has to be used, there's so much that, you know, as me it grows, we feel we can do with your voice, and this is just the beginning, man, just the beginning, I think voice is something that really inspires us the most, you know, and I think there's so much we have to do, Zubin, there's so much left to do. Inspire me, bhai. Absolutely. You send that stuff, and then it is so exciting to wait for the song, and then you send the song, and फिर उसको सुनना, उसके साथ जुड़ करके, फिर उसको record करना, वो अपने आप में एक journey बन जाती है मेरे लिए हर गाने पे. And that's happened with this coming song also. मैंने अभी एक draft भेजा है, बहुत अच्छा नहीं गाया अभी, लेकिन आप एक बार सुन लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइए कैसा कैसा. For sure, man. But lately, you know, ever since. But these songs are coming out like past 7-8 months have been so amazing for you, man. Finally, lots and lots of people are. I've finally witnessed the magic of your voice. How are you feeling? I mean, I because I know I was also saying मेरी गुरमीत से बात चल रही थी और मैं गुरमीत और हम एक इंटरव्यू में थे. मैंने बताया मैंने कहा कि मैं जुबिन से सबसे ज्यादा जुबिन से इसलिए भी रिलेट करता हूँ बिकॉज वो बहुत ही रियल और ग्राउंडेड इंसान है. And the success, जिस तरह का success which is now coming his way, it can actually वो चमक जो होती है ना वो आंखों को चौंधिया जाता आदमी एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योरसेल्फ एंड दैट इज सो ग्राउंडेड दैट वो चकाचांद छोड़ के जाके पहाड़ों में बैठा है अपना आराम से सूफी तरीके से वहीं से म्यूजिक कर रहा है सो नो सीरियसली मैन इट्स एंड इट शोज अ लॉट अबाउट योर अपब्रिंगिंग लाइक योर पेरेंट्स हैव ब्रॉट यू अप वेल दैट आई सी दैट यू आर हैंडलिंग इट वेरी वेल जो मैं रोज देखता हूँ इंस्टा पे यार आप कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर रहे हो कहीं ना कहीं दिस इज अमेजिंग यू नो मोस्टली जब ये जर्नीज मैंने बहुत सिंगर्स की देखी है एंड व्हेनेवर दिस टाइम एंड दिस काइंड ऑफ यू नो सक्सेस कम्स They mostly, you know, become too much filled with themselves. And you are going and helping other people. I really want you to want to hear how are you handling this success. Bhai, there's hardly anything to handle. मतलब this is just. I think वक्त से पहले आ जाता तो मैं नहीं संभाल पाता. Right time पे right तरह आया और इस काबिल हूँ कि आज उतने सारे प्यार को ब्लेसिंग्स को लेकर कि दोहे भी गाता हूं तो वो भी सुपर हिट हो जाते हैं और ट्रेंड करने लगते हैं मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था उसमें व्हेन यू इन दैट वीडियो दैट द क्वेश्चन एक्चुअली इज कि अभूषण जी ने क्या गवाया है एंड यू लाइक दोहे बोले अभूषण जी ने क्या गवा दिया दोहे ओह माय गॉड बट अमेजिंग यार वो क्या दोहे और क्या साउंड करते हैं इट्स अमेजिंग मैंने खुद कितनी बार सुन चुका हूं यार वो आशुगर उन्होंने कितना अच्छा उसका म्यूजिक बनाया है इट्स रियली नाइस मैन इट्स रियली नाइस भाई आई थिंक दोहाज वाज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस जब हम करने लगे उसको कोई अलग सा ही था मतलब जैसे मैं डिवोशनल करता हूं उस तरह से करता हूं तो अलग ही होता मतलब आई थिंक द नीड ऑफ आर मोर देन एब्सोल्युटली मैन एब्सोल्युटली एंड हाउ यू भाई हाउ इज बॉम्बे थिंग्स आर बॉम्बे इज फाइनली ओपनिंग अप यार बहुत वी ऑल हैव सीन वेरी टफ टाइम्स वी ऑल अपने नोन सर्कल्स में इंडिया में वी हैव लॉस्ट 20-25 पीपल यार एंड कुछ इतने यंग लोग हमारे बैचमेट्स इंडिया स्कूल के कुछ बैचमेट्स उनके फैमिलीज इट्स अनबिलीवेबल मतलब हाउ थिंग्स हैव हैपेंड एंड वी आर जस्ट होपिंग यार दिस नाइटमेयर एंड्स फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई थिंक If they get everybody vaccinated in another 3 months, then we have a good chance of not touching the third wave.
So that's that. So on that note, you know, part of so I was kind of involved with that. But abhi jaisi khulta hai, really want to come to Bombay, get back in your studio, start dubbing with you. Yeah, man. Yeah. No, no. Waiting for that, and I'm happy that we could catch up here. And अपना गाना 150 million हो गया है वफाना रहा सही जाने से पहले why don't you just sing a line and then we can say bye to everybody for us man we have to do lots of stuff together looking forward bhai lots of luck best of luck in family to auntie thank you and all the people जो देख रहे हैं यार please do share make lots of Make lots of reels on our song, yaar, Bedardi and Wafana Rasai and we will, Jugan and I and Gurmeet, we'll all share them. And thank you so much for loving our music, guys. Thank you so much, Liz. Take care, brother. Love you, man. Take care. Keep up the good music, man. Take care. You too.